हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच तो रहे हैं और ये इंसान आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं। और ऐसा है कि आपके जो पर्सन हैं, ये कहीं ना कहीं स्टक भी हैं। हो सकता है ये यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये इंसान परिवार भी थर्ड पार्टी हो सकता है, इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, इनके कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी है, वहाँ ये इंसान स्टक दिखाई देते हैं। और ऐसा है कि ये इसीलिए आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते हैं आपको अप्रोच करना, आपकी तरफ बढ़ना, पर हो सकता है कि ना इनके हस्बैंड वाइफ भी हैं, ये हो सकता है। और साथ में ऐसा है कि इनके बेबी भी हैं, इनके बच्चे भी हैं, ये भी हो सकता है। और उस बच्चे की वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। और देखिए, जहाँ पर भी है ये हैं, फंसा हुआ महसूस करते हैं, ये खुद वहाँ से निकलना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि अपने पेरेंट्स की वजह से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आप लोगों का कास्ट इशू वगैरह है, या फिर वही है कि ये इंसान किसी और के साथ मैरिड है, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये चाहकर भी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये इंसान सोच रहे हैं। और ऐसा है कि आप इनके सपनों में भी आते हैं, ऐसा भी है। ये ऐसा है कि 24/7 ये इंसान के दिमाग में आप चल रहे हैं। इनको यही लग रहा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, ये आपसे अलग नहीं रह सकते। पर बात वही है कि ये या तो किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर अपने पेरेंट्स की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ऐसा है गाइस कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, और देखिए बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपसे बात करना, आपसे मिलना, आपकी तरफ बढ़ना, पर वो इनसे हो नहीं पा रहा है। तो इस वजह से ये इंसान परेशान भी हैं, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ही आपकी तरफ बढ़ जाएं। पर जब वहाँ जहाँ ये हैं उस बारे में जब ये सोचते हैं, तो इनको फिर वही होता है कि इनको लगता है रुक जाना चाहिए, ये नहीं कर सकते ऐसा, ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, ऐसा इनको लगता है। और आपके पर्सन से हो सकता है लंबे समय से या अभी कुछ टाइम पहले भी, लेकिन बात नहीं हो पा रही है, मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। तो ऐसा है कि यह इंसान आपकी वजह से भी कंफ्यूज है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आप में भी आया है। तो इनको यही लगता है कि पता नहीं अब आप इनसे प्यार करते भी हैं या नहीं, अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो ये सही होगा या गलत, ऐसा इनको लगता है। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि पहले तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और आप चाहते थे इस रिश्ते पर काम करना, इस रिश्ते को आगे ले जाना, पर अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। तो वही ये इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब पता नहीं आपके दिल में क्या है। और इनको ये भी लगता है गाइस कि शायद आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ चुके हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर आप अकेले भी अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं, ये भी इस इंसान को लगता है। अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है गाइस कि ये करते करते थक चुके हैं, बहुत कुछ इन्होंने अपने आसपास के लोगों के लिए किया है और अब ये और नहीं कर सकते, ऐसा इनको लगता है। और जो इनके साथ के लोग हैं गाइस, वो ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। और देखिए ऐसा है कि सब मतलबी हैं, हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा है, आपके पर्सन की फ़िक्र किसी को भी नहीं है। इस बात को आपके पर्सन भी समझ चुके हैं, लेकिन बात वही है कि ये इंसान ने हर किसी की जिम्मेदारी तो ले रखी है, जो भी लोग इनके साथ हैं, और सबका इनको करना भी ज़रूरी है। इनके अलावा ऐसा भी हो सकता है कोई और करने वाला नहीं है, ये सबसे बड़े हो सकते हैं अपने घर में, भाई बहनों में सबसे बड़े हो सकते हैं। तो किसी भी तरह जिम्मेदारी तो इस इंसान पर है, सबकी ज़िम्मेदारी इन्हीं पर है और इन्हीं को करना होता है। और ऐसा है कि ये इसी वजह से वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं, कैसे सब कुछ छोड़कर ये आगे बढ़ जाएं, ये भी इनको लगता है। तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हैं और ये परेशान भी हैं। आपके पर्सन गाइस वहाँ रह तो रहे हैं, लेकिन ये इंसान खुश नहीं है और ये खुद तड़प रहे हैं वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन बात वही है कि ये सब कुछ छोड़कर निकल भी नहीं पा रहे हैं। और जिन लोगों के भी साथ ये हैं गाइस, वहाँ से अगर ये कभी कह भी देते हैं कि अब ये यहाँ नहीं रहना चाहते, ये परेशान हो चुके हैं, इन्हें यहाँ से निकलना है, तो वो लोग इतने चालाक हैं, जब भी उनको समझ में आता है कि ये इंसान अब परेशान हो रहे हैं उन लोगों से, तो वो लोग इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं, इनको इनकी जिम्मेदारियाँ याद दिलाई जाती हैं, किसी भी तरह इनको अपने कंट्रोल में वो लोग रखते हैं। तो
जब और ऐसा है कि वो लोग इतने ज़्यादा चालाक हैं कि इनको प्यार देकर दिखाते हैं, इनके हिसाब से काम करते हैं, तो ये इंसान क्या होता है फिर पिघल जाते हैं। इनको यही लगता है कि नहीं, यही इन लोगों को नहीं छोड़ सकते, ऐसे कैसे किसी की जिम्मेदारी लेकर छोड़ दिया जाए, अपनी खुशी के लिए ये इतने लोगों को परेशान तो नहीं कर सकते, अपनी खुशी के लिए ये उन लोगों को दुखी नहीं कर से नहीं कर सकते, उनको हर्ट नहीं कर सकते। ये सारी बातें इनके दिमाग में चलने लगती है और ये इंसान फिर रुक जाते हैं। और अभी ऐसा है गाइस कि ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, ऐसा भी है। और ये बिल्कुल ऐसा है कि बहुत जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर बात वही है, अगर ये किसी के साथ मैरिड भी हैं तो ये उनकी फ़िक्र नहीं कर रहे, ये उनके साथ जो जुड़े लोग हैं, इनकी फैमिली है, इनके जो स्पाउस हैं उनकी फैमिली है, उनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ये उस थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उस इंसान के लिए परेशान नहीं है, ये आपकी तरफ बढ़ना ही चाहते हैं। लेकिन जो और भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो परिवार वाले हैं, सोसाइटी है, ये उनके वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी बात है। अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं और अभी आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन भी बन चुके हो। अभी ऐसा है कि भले ही आपको लगता होगा कि आप में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, पर इस इंसान को ऐसा ही लगता है, अब आप काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो गए हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और इनको यही है कि किसी भी तरह इनको आपको हासिल करना है, ये इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है कि, और ये तो ऐसा है कि भागकर आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, पर वही बात है कि ये इंसान फंसा हुआ है, ये फ्री नहीं है कि सोच लिया और कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, ये इंसान जिम्मेदारियों में बंधा हुआ है और जो लोग इनके साथ हैं वो इनको छोड़ने वाले भी नहीं हैं, अभी तो ऐसे ही स्थिति है, वो लोग इनको बांध कर रखना चाहते हैं। और देखिए जो पास्ट में चलता रहा है ये रिश्ता, फिर जुड़ता फिर टूटता, कई बार ऐसा हुआ होगा, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रही होगी, तो इसमें परिवर्तन आता हुआ नज़र आता है। अब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे तो ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि ऑन ऑफ वाली सिचुएशन अब इसमें नहीं रहने वाली है, स्टेबल रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई देता है। और ऐसा है कि जो आपके पर्सन हैं, भले ही ये कुछ लोगों के बीच घिरे तो हुए हैं, इनको कंट्रोल में भी रखा जा रहा है, लेकिन ये इंसान वहाँ से निकलकर आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, समय तो थोड़ा सा लगेगा लेकिन वो इंसान वहाँ से निकलकर आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, क्योंकि ये इंसान आप ही के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और जिन लोगों के साथ ये हैं उन लोगों से भी ये इंसान परेशान है, तो वहाँ तो ये रहना चाहते नहीं, तो ये किसी न किसी तरह रास्ता ढूंढ कर आपकी तरफ बढ़ेंगे ही। और अभी आपने खुद पर बहुत ज़्यादा काम किया है, अब वैसे ही हो गए जब आप इनसे शुरुआत में इनके साथ रिश्ते में आए, और जैसे आप थे पहले भी वैसे ही रहे, उस समय भी आप वैसे ही थे, आप अपने आप में खुश रहते, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, शुरुआत में तो ऐसा ही था, बाद में इस इंसान के लिए आप सीरियस होते गए हैं और आपका पूरा पूरा ध्यान इस इंसान की तरफ रहता, आप खुद पर ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन अभी आप फिर से वैसे ही हो गए हैं जैसे पहले थे। अब ऐसा है कि आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी सुंदरता पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं और अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, तो और अपने आप में खुश रहना भी आप सीख गए इनसे अलग होने के बाद, तो ये सब आपके पर्सन भी देखते हैं और इसी वजह से इंसान आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी आप ऐसे हो गए हैं गाइस कि अब आपको कोई डर नहीं है, ये इंसान आपकी लाइफ में रहे ना रहे अब आप डरने वाले नहीं हैं, पहले आप ऐसा था कि इनके साथ रिश्ते में रहे तो आप बहुत ज़्यादा डरते भी थे कि कभी ये इंसान आपको छोड़कर चले गए तो क्या होगा, कभी इस इंसान से अलग होना पड़ा तो आप कैसे रह पाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा डरते थे और इसीलिए क्या था कि ये इंसान आपको कंट्रोल करते थे, ये अपने हिसाब से आपको चलाते थे, क्योंकि इनको पता था कि आप इनके बिना रह नहीं सकते, आप इनको इनके छोड़ जाने से डरते हो, तो ये इंसान क्या था कि इस वजह से आपको परेशान भी करते थे, ये अपने हिसाब से आपको चलाते थे। लेकिन अब आप ऐसे हो गए इनसे अलग होने के बाद कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, वो आएंगे तो भी ठीक, नहीं आएंगे तो भी ठीक, ऐसी वाली एनर्जी आपकी है, आप सोच लिए हैं कि अब किसी के लिए परेशान नहीं रहना है, बस खुद को खुश रखना है, अपने आप से प्यार करना है, तो इस वजह से अभी आप डर भी नहीं रहे हैं उस इंसान को खोने से, अब आप परेशान नहीं हैं, और इसी वजह से ये इंसान क्या है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो आप में परिवर्तन आया है यही उनको आपकी तरफ खींच रहा है। और अब ये इंसान ऐसा है गाइस कि आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपका पूरा पूरा साथ देंगे, पहले आप रिश्ते को अकेले संभालते थे, इस इंसान का कोई सहयोग नहीं होता था, इनकी मनमानी चलती थी, लेकिन अब ऐसा है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे तो इस रिश्ते को संभालने में आपका बराबर साथ देंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा ये इंसान करेंगे भी, और ऐसा है कि खुद डरेंगे आपको खोने से, क्योंकि आपसे अलग रहकर इनको भी समझ में आ गया है कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हैं, तो अब ये आपको खुद ही खोने से डरेंगे, और अभी भी ये इंसान डर ही रहे हैं आपको खोने से, इसीलिए आपकी तरफ जल्दी से जल्दी बढ़ना भी चाहते हैं।
आपको लेसन मिल चुका है, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं इस रिश्ते में आकर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और अब आप ऐसा है कि खुद को समझने लगे, खुद से प्यार करना आपने सीख लिया, आप समझ गए कि किसी के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको जितना देता है आपको भी उसको उतना ही देना चाहिए, ये बात भी आप समझ गए, तो आपको लेसन मिला है। और ये जो आप में परिवर्तन है, ये आपके पर्सन देख रहे हैं, तो ये ज़्यादा दिनों तक आपसे अलग भी नहीं रह पाएंगे, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे किसी भी तरह से और ये सब कुछ जल्दी होने ही वाला है, ये ज़्यादा समय भी अब नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, बस वही बात है कि लोग इनको बांध कर रख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये किसी भी तरह रास्ता निकालेंगे और आपकी तरफ जल्दी ही बढ़ेंगे, ये भी है, अब ये रुकने वाले नहीं हैं और अब ये किसी के सुनने वाले भी नहीं हैं, ऐसा भी है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और खुद भी खुश रहिए औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।